खतरों के खिलाड़ी के 12वें सीजन का आगाज जल्द होने वाला है। खतरों के खिलाड़ी के 12वें सीजन की शूटिंग मई से शुरू होने जा रही है और ऐसे में पूरे के पूरे कंटेस्टेंट जो हैं उनके नाम सामने आ चुके हैं, जिनमें एक से बढ़कर एक नाम जो हैं वो शामिल हैं। अब टीवी इंडस्ट्री के जो ऑडियंस हैं उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे के पूरी पांच बहुरानी जो हैं आ रही हैं खतरों के खिलाड़ी के 12वें सीजन में। कौन कौन से हैं वो नाम, चलिए आपको बताते हैं आज के खास रिपोर्ट में दोस्तों। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल क्विक टीवी न्यूज़ को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज़ को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया है तो बेल आइकन के घंटे को आप ज़रूर दबा लें। चलिए बताते हैं वो नाम। सबसे पहली जो बहुरानी है टीवी इंडस्ट्री की, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, श्रुति झा है उनका नाम। श्रुति झा मतलब टेलीविज़न इंडस्ट्री में बहुत सालों से काम कर रही हैं और उनका जो पहला मतलब सौभाग्यवती भव लाइफ ओके पर आता था, जो कि काफ़ी सुपर डुपर हिट था। इसके बाद वो कुमकुम भाग्य में लगातार 8 सालों तक प्रज्ञा के किरदार में वो नज़र आईं और वो अब नज़र आएंगी खतरों के खिलाड़ी के 12वें सीज़न में। हमारे खास सोर्सेस ने इंडिया फॉर्म्स की एक रिपोर्ट की अगर हम माने तो श्रुति झा जो है ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी हैं। दूसरा जो नाम है वो है रूबीना दिलेक का। रूबीना दिलेक जो है इससे पहले बिग बॉस सीजन 14 की विजेता वो रह चुकी हैं, रियलिटी शो में वो काम कर चुकी हैं। साथ ही साथ इससे पहले छोटी बहू में काम कर चुकी हैं और सौम्या के किरदार में शक्ति अस्तित्व के एहसास की में वो नज़र आ चुकी हैं और दोनों ही मतलब किरदार जो है उसके रूप में दर्शकों ने काफ़ी ज़्यादा उन्हें पसंद किया। ये भी एक बहुरानी है। तीसरी जो है वो है नायरा, यानी कि शिवांगी जोशी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं लगभग 4 सालों तक काम करने के बाद ये रिश्ता क्या कहलाता है को छोड़ दिया था नायरा ने, यानी कि शिवांगी जोशी ने, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। शिवांगी जोशी जो हैं खतरों के खिलाड़ी के 12वें सीज़न को वो कर रही हैं, इस तरह की बातें तो पहले ही निकल कर सामने आ रही थी दोस्तों, तो ये बड़ी बात जो है वो निकल कर सामने आ रही है। अब इसके अलावा दूसरा जो नाम मतलब तीसरा जो नाम मतलब तीसरा चौथा नाम जो है वो उनका है एरिका फर्नांडिस का। एरिका फर्नांडिस कुछ रंग तो प्यार के ऐसे भी, इसके साथ ही साथ कसौटी जिंदगी के का पहला सीज़न मतलब दूसरा सीज़न में वो नज़र आई थी और अब जो हैं बहुत जल्द खतरों के खिलाड़ी के 12वें सीज़न में वो नज़र आएंगी। ये भी बहुरानी हैं। अब पांचवा जो है बहुरानी जिनका नाम है नेहा मारदा। नेहा मारदा भी एक पॉपुलर एक्ट्रेस हैं और ये बालिका वधू जैसे शो में काम कर चुकी हैं और साथ ही साथ अरमानों की डोली इसमें भी ये नज़र आई थी और साथ ही साथ जो कि काफ़ी पॉपुलर इनका किरदार हुआ था। तो ये पांच बहुरानी जो हैं अब आने वाली हैं एक साथ खतरों के खिलाड़ी के 12वें सीज़न में खतरों से खेलते हुए। तो आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं प्लीज़ हमें अपने कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएँ। आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही दोस्तों।